करो क्लास टेंथ। आंसर शीट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक देख लेना, क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारी ऐसी बातें बताई जा रही हैं जो आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। ठीक है, सबसे पहले बेटा आपको बता दूं कि आंसर शीट अप्लाई करने की आपके लिए जो लास्ट डेट है आंसर शीट के लिए, ठीक है, वो रहने वाली आपकी 4th and 5th June। ठीक है, टाइमली अप्लाई करेंगे, जितनी जल्दी अप्लाई करेंगे उतनी जल्दी आपको एप्लीकेशन नंबर मिलेगा, जिसका जितना जल्दी एप्लीकेशन नंबर उसको उतनी जल्दी शीट मिल जाएगी। ठीक है, जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिलने वाला है, कुछ ऐसा हो सकता है एप्लीकेशन नंबर, जैसे एग्जांपल P50001। ठीक है, जितनी जल्दी मिलेगा ना लास्ट वाला नंबर, मान लो 01 02 03 04 56 57 99, जितनी जल्दी मिलेगा उतनी जल्दी आपकी शीट आ जाएगी पोर्टल पे, ध्यान रख के चलना। इसलिए टाइमली अप्लाई करना, जैसे ही पोर्टल खुलता है गो फॉर इट राइट नाउ, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। और प्लीज़ बेटा ध्यान रखना, क्लास टेंथ के फॉर्म में बहुत गलतियाँ आ रही हैं, पिछली बार भी बहुत बच्चे कोशिश करते हैं, लेकिन आप बेटा अभी इतने बड़े नहीं हो गए, आप मोबाइल से फॉर्म भरने की कोशिश कर रहे हो, कोई बच्चा ईमेल आईडी गलत डाल रहा है। इस स्टेप में ईमेल आईडी गलत होने का मतलब है अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारना। अगर आपकी ईमेल आईडी गलत हो जाती है तो आपके मार्क्स बढ़ने के बाद भी आपको बहुत लंबा इंतजार करना पड़ेगा ये जानने के लिए आपके कितने नंबर बढ़े हैं। तो ईमेल आईडी को बिल्कुल 100% ऑथेंटिकेट करके चलना, करेक्ट भरना, गलती मत कर देना बिल्कुल भी। दूसरा, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लेते हैं तो एक नंबर जनरेट होता है कुछ ऐसा, उस नंबर को लिख लेना याद से, गलती मत करना बिल्कुल भी। ठीक है, तीसरा, उसी एप्लीकेशन नंबर को फिल करके आप फी पेमेंट करेंगे। फी पेमेंट करने के लिए अगर आप UPI का सहारा ले रहे हैं तो थोड़ा सोच समझ के लेना, अगर आपका गवर्नमेंट बैंक है तो रात के 11 बजे से लेके 1 बजे के बीच में पेमेंट मत करना, क्योंकि 99% गवर्नमेंट बैंक का सर्वर 11 बजे से लेके 1 बजे तक फेल ही रहता है, बहुत दिक्कत आती है पेमेंट के अंदर। प्लीज़ गलती मत करना, पेमेंट चाहे आप सुबह कर दो कोई दिक्कत नहीं, फॉर्म भर लो रात को, लेकिन पेमेंट सुबह कर देना, लेकिन कर देना यहाँ से, भूलना मत। फिर उसके बाद अगर कोई भी इशू आता है पेमेंट में तो हम लोग आपके साथ हैं, नंबर मैं आपको अभी प्रोवाइड करा दूंगा। फॉर्म कैसे भरना है अगर आपको ये नहीं पता है, मार्किंग स्कीम कहाँ से डाउनलोड होगी, आप कैसे अपनी नोटबुक को सेल्फ इवेल्युएट कर सकते हो। वाह, एक नया वर्ड सीखने को मिला, सेल्फ इवेल्युएशन ऑफ आंसर शीट। अगर आप अपनी आंसर शीट को सेल्फ इवेल्युएट करना चाहते हैं, इन डेप्थ उसको सेल्फ इवेल्युएट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको मार्किंग स्कीम की नीड पड़ेगी। मार्किंग स्कीम कहां से डाउनलोड करनी है, कैसे उसको देखना है, आप जब अपनी आंसर शीट को देखोगे तो आपका व्यू साइट कैसा होना चाहिए, साइट ऑफ व्यू कैसा होना चाहिए आपका, आपका किस प्रकार की नजर के साथ आपको देखना है, यह सब कुछ आपको जानना बहुत जरूरी है। और यह सारी जानकारी के लिए आपको एक काम करना बहुत जरूरी है, वो काम क्या है, हमारे चैनल 1-to-1 क्लासेस के, बिल्कुल जहां चैनल का सब्सक्राइब का ऑप्शन आता है वहां पर ज्वाइन का ऑप्शन आ रहा है बेटा, आप हमारी मेंबरशिप ज्वाइन करेंगे। उस मेंबरशिप के अंदर सबसे पहले तो आपको वीडियो मिल जाएगी, अभी अपलोड हो चुकी है, कि 10th क्लास के लिए आपको फॉर्म भरना कैसे है। वैसे तो वीडियो क्लास 12th की है कैसे भरा है, लेकिन आप 10th पे क्लिक करेंगे आपका 10th का फॉर्म खुल जाएगा, आराम से भरो उसको पूरा अच्छे से, कैसे कैसे भरा गया उसमें पूरी डिटेल से मैंने सिखाया है, फॉर्म कैसे कैसे भरना है स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, इससे अगला फॉर्म जो हमारा 3rd फॉर्म है रीवैल्यूएशन का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है, जिसमें आपको हर क्वेश्चन के, जिसमें आपके मार्क्स बढ़वाना चाहते हो उसके रीजन भी लिखने हैं, तो रीजन में आप क्या क्या लिख सकते हैं, एक जनरल रीजन कैसा रहता है। देखिए, सब्जेक्टिव रीजन आपको इवैल्यूएटर प्रोवाइड कर देगा अगर आपके पास है, एक जनरल रीजन आप कैसा लिख सकते हैं, कुछ इमोशनल ट्रॉमा करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आप क्या क्या वर्ड्स का यूज कर सकते हैं, वो फॉर्म कैसा होता है, उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें पहले से तैयार करके रखनी है, क्योंकि वो फॉर्म भरना थोड़ा सा टफ है, उसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ें पहले से तैयार करके रखनी पड़ती है। तो क्या है कैसा नहीं है, कैसे भरना है कैसे नहीं भरना, उसके पूरे लेंथी प्रोसेस के लिए ज्वाइन आर मेंबरशिप, उसमें आपको पूरी डिटेल समझाई जाएगी, आपको एक एक स्टेप समझाया जाएगा, आप कैसे कैसे सेल्फ एवेल्युएट करके आंसर शीट का फॉर्म भर सकते हैं खुद, ये सब कुछ में सिखाया जाएगा। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कुछ ज़्यादा महंगी मेंबरशिप नहीं यार, इट्स ओनली कॉस्ट ₹199, इतने में तो भाई कुछ भी नहीं आता, 2 फॉर्म भरवाने जाओगे इससे ज़्यादा देने पड़ जाएंगे। फिलहाल अच्छा है ऑप्शन आपके लिए, आप खुद भर सकते हैं, बस एक लैपटॉप का अरेंजमेंट कर लेना, मोबाइल से कोशिश मत करना यार प्लीज़, क्योंकि मोबाइल से जब आप फॉर्म भरते हैं ना एरर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, इतनी छोटी स्क्रीन से कुछ नहीं होता यार, थोड़ी स्क्रीन बड़ी करो ताकि आप उसको अच्छे से देख पाएँ, अच्छे से फील कर पाएँ, गलती का चांस नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आपके मार्क्स का सवाल है, पूरी ज़िंदगी भर का सवाल है। और अगर आपको एक्सपीरियंस इवेल्युएटर चाहिए
कि आपकी शीट एक्सपीरियंस इवेल्युएटर चेक करे, तो टेंशन ना मत लो यार बिल्कुल भी। नंबर आपके पास ऑलरेडी है, इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करो। अगर आप चाहते हो आपका फॉर्म हम फिल करें, आप रात को फिल नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करो। आपको एक्सपीरियंस इवेल्युएटर चाहिए, इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करो। आपका रिवैल्यूएशन का फॉर्म आपको भरवाना है, आपने शीट्स रिवैल्युएट करा ली है, आप चाहते हो सर मैं आपका फॉर्म भरूं, मैं भर दूंगा, इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करो। कोई दिक्कत है इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करो, मैसेज ड्रॉप करो, नंबर पे कॉन्टैक्ट करो, हम आपकी सेवा में हाजिर हैं, टेंशन ना लो बिल्कुल भी। सो वी आर हेयर टू हेल्प यू फॉर ईच एंड एवरीथिंग टू द बेस्ट लेवल। इसके अलावा अगर आप मार्किंग स्कीम चाहते हो तो आपको वो भी अवेलेबल करा देंगे। फिलहाल वैसे तो इसके थ्रू आप सीख ही जाएंगे कैसे मार्किंग स्कीम डाउनलोड करनी है, फिर भी अगर आपको नीड पड़ती है तो हम अवेलेबल है आपके लिए हमेशा हमेशा हमेशा, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। थोड़ा सा इन बातों का ध्यान रखते हुए फॉर्म के लिए अप्लाई करना, थिंक वाइसली, चूज वाइसली, बी वेल। ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। क्लास 10th।